फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ए ट्रायंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो ट्रायंगल PQR दी गई है जिस पे D मिड पॉइंट दिया गया है। तो QR को जो मिड पॉइंट D है वो डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। तो ये QR है और ये मिड पॉइंट दिया है D। तो D जो डिवाइड करेगा पूरी लाइन QR को दो हिस्सों में, वो कौन सी लाइन है? QD एंड DR। तो फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, PM इज। तो PM इसमें क्या है? कोई भी लाइन सेगमेंट जो P वर्टेक्स से स्टार्ट होके उसकी ओपोजिट लाइन M से ज्वाइन हो रही है स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे, तो वो क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड। तो जो अल्टीट्यूड है उसको हम हाइट भी बोलते हैं। और ये PM जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो PM परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? QR के। तो फर्स्ट का मतलब है अल्टीट्यूड, तो इसको हाइट भी बोल देते हैं। सेकंड है PD। तो D जो है मिड पॉइंट दिया है QR पे। तो अगर ये वर्टेक्स P इसके जो ऑपोजिट लाइन D एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है, तो वो ट्रायंगल को डिवाइड करिए दो हिस्सों में। तो ये दो हिस्से कौन से हो गए? PQD और PDR। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। मीडियन का मतलब ही यही होता है कि ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करना। कोई भी लाइन सेगमेंट जो D मतलब मिड पॉइंट से लेके उसके ऑपोजिट वर्टेक्स V से P से ज्वाइन हो जाए और डिवाइड कर दे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में, उसको बोलेंगे मीडियन। थर्ड पार्ट में देखते हैं QM इक्वल टू MR। तो ये देखो QM जो है वो इतनी है, MR इतनी दी है। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये नहीं होंगे, हमें सिर्फ इक्वल दिया गया है QD इक्वल टू DR। तो ये QM नॉट इक्वल टू RQ। तो आंसर लिख देंगे नो।